ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं, लेकिन झुंझुनू के नवलगढ़ में पहले नए प्लांट की नींव आज रखी गई। दरअसल पेट्रोलियम कंपनी HPCL पूरे देश में 7 और राजस्थान में 2 ऑक्सीजन प्लांट अपने सामाजिक सरोकार निभाते हुए लगा रही है, जिनमें से एक प्लांट झुंझुनू के नवलगढ़ में प्रस्तावित है। आज इसी प्लांट की नींव उप जिला अस्पताल में रखी गई, जिसके अतिथियों में नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा, चेयरमैन सौरभ खत्री और SDM दमयंती कंवर समेत अन्य चिकित्सा अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा तथा चेयरमैन सौरभ खत्री ने बताया कि विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के प्रयासों से आज इस प्लांट की नींव रखी गई है। गोविंद बासोलिया ट्रस्ट की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूरा करने के बाद इसमें HPCL कंपनी द्वारा 100 ऑक्सीजन सिलेंडर रोज जनरेशन का प्लांट लगाया जाएगा। संभावना है कि 20 से 30 दिनों में प्लांट शुरू हो जाएगा, जिसके बाद नवलगढ़ में उप जिला अस्पताल के अलावा पास पड़ोस के इलाकों में स्थित CHC व PHC में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। आज हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की जो लगातार प्रयास चल रहे हैं कोरोना महामारी में अपने क्षेत्र की जनता के साथ साथ अपने जिले की जनता को बचाने के लिए भी, आप देख रहे हो कि इस अस्पताल में आज सुविधाओं के नाम पे जिले में यह हॉस्पिटल टॉप पे पहुंच चुका है। उसी कड़ी में जोड़ते हुए आज HPCL कंपनी द्वारा जो 100 सिलेंडर का ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर के भी माननीय विधायक महोदय की तरफ से बनवाया जा रहा था, लेकिन नवलगढ़ के भामाशाहों की इच्छा शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी है, तो गोविंद राम जी बासोतिया की तरफ से जो इसका स्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन करके आज उसकी नींव रखी गई है। और लगातार हमारे विधायक महोदय का एक ही सपना है कि नवलगढ़ की 36 कौम की जनता को तो इलाज के लिए कम से कम बाहर जाना नहीं पड़े, बाकी उम्मीद लेके पूरे ज़िले से या कहीं से भी कोई भी मरीज आता है तो उसको किसी भी संसाधन पेटे, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे ब्लड की व्यवस्था हो, चाहे यहाँ ICU बेड की व्यवस्था हो। आप देख रहे हो लगातार पूरा का पूरा बजट जो है यहाँ पे लगाया जा रहा है, साथ में भामाशाहों का भी पूरा सहयोग लिया जा रहा है, खुद विधायक महोदय की ट्रस्ट द्वारा भी यहाँ काफ़ी पैसा लगाया जा रहा है। तो ये निरंतरता केवल इस हॉस्पिटल को और 36 कौम की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए दिया जा रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ हम एक बार फिर बाबा राम साहब पीर से यही उम्मीद और प्रार्थना करते हैं कि हमारे नवलगढ़ पे ऐसे भामाशाहों का और ऐसे जनप्रतिनिधि का आशीर्वाद बना रहे, ताकि यहाँ की लोग जनता को परेशान नहीं होना पड़े। हमारे माननीय विधायक जी डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के प्रयासों से HPCL कंपनी द्वारा 100 सिलेंडरों का प्लांट लगाया जा रहा है। चर्चा ऐसी है कि HPCL पूरे इंडिया में लगभग 7 प्लांट लगा रही है, जिसमें राजस्थान में 2 प्लांट लगा रही है, जो एक प्लांट हमारे नवलगढ़ में लगा रही है, एक लगा रही है सिरोही में। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे विधायक रात दिन नवलगढ़ की जनता के लिए, दिन पे दिन मेडिकल सेवाओं के लिए अपना पूरा बजट उन्होंने झोंक दिया, और जो भी प्रयास हो रहे हैं वो पूरी जनता को फ़ायदा उसके लिए दिन रात भाग रहे हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में आपको उप जिला अस्पताल, जो विधायक जी का जो सपना है नवलगढ़ के लिए, हम सब लोग, हमारी पूरी टीम, चाहे प्रधान जी हो, चाहे हमारे उपाध्यक्ष जी हो, चाहे हमारे पूरे पार्षदगण हो, हम पूरे उनके सपने को साकार करने के लिए उनकी टीम की तरह काम कर रहे हैं। धन्यवाद।